हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में, जो कि कहां पर निकले है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आपके इस डिपार्टमेंट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। एंड किस किस पोस्ट पर है, आपको स्टेनोग्राफर की, जो कि काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट आपको देखने को मिलती है इस वैकेंसी में। आपको वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट, एंड आपको असिस्टेंट की, नर्स की पोस्ट बताने वाला हूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट की कुछ दो चार पोस्ट एक्स्ट्रा और हैं, वो आपको सारी वीडियो में ही पता चलने वाली है। तो आपको करना है वीडियो को कंप्लीट देखना है विदाउट एंड स्किपिंग। सारी इन्फॉर्मेशन एंड डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सारा अप्लाई प्रोसेस, डिटेल में एलिजिबिलिटी, किस तरीके से अप्लाई करना है, हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें किसी एक खास दोस्त के साथ। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो हमारा चैनल है ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट्स कवर करता रहता है। ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जो कि काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होती है, तो आप उसमें फिल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो हमारे चैनल की बेस्ट चीज़ रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। ना डायरेक्टली चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। अगर आपको उसके नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो आप इजीली वेबसाइट पर आके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आके डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में किन किन चीज़ों से आपको अवगत कराने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा या नहीं मांगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना है, फीस वगैरह कुछ रखी गई है या नहीं रखी गई, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो ये सभी चीज़ों के आपके जो मन में सवाल होंगे या डाउट होंगे तो आपके जो भी है वीडियो के अंदर सारे क्लियर होने वाले हैं। नाउ डायरेक्टली चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ, तो जितने भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको कुछ समझ आने वाला है इस वीडियो से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा इसकी आपको नोटिफिकेशन की PDF वगैरह आपको चाहिए तो आपको कहाँ पर मिलेगी, और इसकी फॉर्म की PDF वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पर आपको ज्वाइन होने का बेनिफिट ये है कि जो हमारे चैनल लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट्स देते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके यहाँ जरूर ज्वाइन हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वैकेंसी रिलेटेड। इसमें स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है तो आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताऊँगा, कैटेगरी वाइज भी बताऊँगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये जेन्युइन वैकेंसी है और ये फेक वैकेंसी नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं बाद में दैट इज़ फेक वैकेंसी, बाकी जो हमारा चैनल है ऑलवेज जेन्युइन वैकेंसी ही कवर करते हैं। आप सभी के सामने मैं ये बताना चाहूँगा। बाकी नाउ स्टार्ट करते हैं जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, कहाँ पर निकली हुई है वैकेंसी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था वेबसाइट पर ले जाके आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आपकी वैकेंसी है, जो कि NIFT RSH जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। इसी डिपार्टमेंट में आपके एप्लीकेशन मांगे हैं, इनवाइट्स एंड एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ग्रुप सी की पोस्ट है, उसमें आपकी वैकेंसी है जो कि NIFT पंचकुला कैंपस में आपकी वैकेंसी रखी गई है रेगुलर बेसिस पे। ये जो भर्ती मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप ये परमानेंट कह सकते हो या फिर रेगुलर कह सकते हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं है, तो आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से मशीन मैकेनिक की बात रही, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ, तो आपको कंप्लीट देखना है वीडियो को। और मैकेनिक की पोस्ट है जिसमें आपकी लेवल 4 की अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। एक ही पोस्ट है जिन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही पोस्ट है टोटल में बात करें तो। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की, जितने भी लेवल 4 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसकी मैच करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड बात करते हैं इसकी, एक ही पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो ऑलमोस्ट जितनी भी मैं सभी पोस्ट बताऊँगा सभी जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक पोस्ट अभी की देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट वार्डन की, जिसने भी असिस्टेंट वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यही बताना चाहूँगा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई करें, और मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेशली बोला गया है। तो असिस्टेंट वार्डन की पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। लेवल 4 की आपकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। लेवल 4 में आपको अच्छा खासा बेसिक पे होता है, साथ ही साथ आपकी DAT HRA वगैरह काफ़ी अच्छे खासे अलाउंस ऐड होते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी इनहैंड सैलरी आपको देखने को मिलती है। लेवल 4 की सैलरी की हम बात करें तो एक ही पोस्ट है जहाँ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं मेन पोस्ट, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए आपको लेवल 4 की अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलेगी, और एक ही पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और फीस वगैरह भी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको क्या क्या लगने वाला है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा, और ऑफलाइन आवेदन देना होगा उस पर एड्रेस पर सेंड करना होगा, फॉर्म की PDF फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक ही पोस्ट है जहाँ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी
नर्स की, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया जहाँ पे आपकी फ़ीमेल लिखा है सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करें, मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई ना करें। नर्स की पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। लेवल 4 की अच्छी खासी सैलरी होगी आपकी, अलाउंस वगैरह भी मिला के इन हैंड अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एक ही पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें आपकी लेवल 2 की अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। और स्टेट कौन सी स्टेट में निकली है वैकेंसी, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, ये भी आपको मैं वीडियो में ही बताने वाला हूँ। एक ही पोस्ट है, जनरल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेवल 2 की सैलरी है, 4 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है और जनरल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट आपकी जो है देख सकते हो ओबीसी के लिए रिजर्वड है, 4 आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड एक जो पोस्ट है आपकी ओबीसी के लिए रिजर्वड है। तो टोटल बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 5 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी जनरल की 10 पोस्ट पर वैकेंसी है एंड आपकी जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के इन सभी पोस्ट की 11 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा। मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, आपको नीचे एड्रेस दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना चाहूँगा फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट वार्डन एंड नर्स के लिए, मेल अप्लाई ना करें इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है 20 अगस्त से इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। ऑफलाइन माध्यम से आपको फिल करना पड़ेगा, फॉर्म की PDF फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेंड करना होगा एड्रेस पे, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप इजीली देख सकते हो नोटिफिकेशन की PDF में 19 सितंबर आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो 19 सितंबर से पहले अपना आवेदन दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले आपको क्या करना है, ये वेबसाइट दे रखी है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसकी नोटिफिकेशंस, इसकी फॉर्म की PDF हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके और आपको और इजी हो सकता है इजीली प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया। और बाकी मैं वीडियो में भी बताऊँगा क्या क्वालिफिकेशन है। इस तरीके से आप देख सकते हो द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन एड्रेस टू, जितने भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस एड्रेस पर आपको अपना सेंड करना पड़ेगा, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस सेक्टर 23 पंचकुला हरियाणा। जैसा कि आप देख सकते हो पंचकुला हरियाणा में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो आप इस पे एड्रेस पे सेंड कर सकते हो। आपको एड्रेस पे इसको सेंड कर देना है एनवलप के थ्रू अलोंग विद द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अटैच करके एक एड्रेस पे सेंड करना होगा। जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहो, मैं आपको 2 माध्यम बताना चाहूँगा, एक तो आपका होता है रजिस्टर्ड पोस्ट जो कि इंडियन पोस्ट के थ्रू ही होता है, एक होता है स्पीड पोस्ट। तो इन 2 माध्यम से आप अपना यह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भेज सकते हो। और ये जो वैकेंसी का स्ट्रक्चर है मैं अगेन दिखाना चाहूँगा, इस लोकेशन में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये सर्कुलर आउट हो चुका है ऑलरेडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIFT कैंपस सेक्टर 23 पंचकुला हरियाणा 134-116 आपके पिन कोड में आपकी वैकेंसी है। नाउ बात करते हैं इसकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 साल आपको देखने को मिलेगी। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो ₹590 का आपका डिमांड ड्राफ्ट रूप के रूप में आपका जो आपको भेजना पड़ेगा इसके नाम से निकलवाना पड़ेगा, NIFT जनरल AC पंचकुला के नाम पर आपको इसका डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना पड़ेगा। ₹590 की आपकी फीस लगने वाली है, ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। एंड अब बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट नर्स की पोस्ट है, आपने BSc ऑनर्स करा हो, साथ ही साथ आपके पास नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एज अ नर्स वगैरह आपने काम किया हो और आपने रजिस्टर्ड करा रखा हो एज अ नर्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसके लिए आप ग्रेजुएट मांगेंगे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। असिस्टेंट वार्डन के लिए फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट में आ गया सिर्फ ग्रेजुएट महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स फील्ड में जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है ग्रेजुएट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैकेनिक के लिए आपकी जो रखी गई है फुल 3 टाइम आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो 10वीं के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर प्रोसेस मैंने आप सभी के सामने डिटेल में बताया, फिर भी किसी को कोई परेशानी समस्या हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे को डायरेक्टली कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं वैकेंसीज रिलेटेड, आने वाली वैकेंसी भी आपको यहीं पर अपडेट्स मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन हो। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक करके शेयर जरूर करें किसी खास दोस्त के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।